हेलो लर्नर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेव्स। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। क्लास 7 का टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है अपने पास, इंटीजर्स होते क्या हैं। सबसे पहले ही ये हमारे पास सवाल बन जाता है कि व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स एक तरह के सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनके अंदर जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे ये एक जीरो हो गया, ठीक है। जीरो के साथ 1, 2, 3 ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने -5, -6, -2, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेट ऑफ नंबर्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स है, और ये हमारे पास जीरो है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो, उन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों जीरो होते हैं, लेकिन अभी इतना याद रखना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं। क्योंकि जब मैं नंबर लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कि जीरो से छोटे क्यों होते हैं। जीरो जो नंबर होता है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर से भी छोटा होता है, और कोई नंबर ग्रेटर द नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा कोई इंटीजर है जो बड़ी नंबर में है, उसकी वैल्यू हमेशा छोटे वाले नेगेटिव नंबर से छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इस स्टेटमेंट को मैं बताने के लिए आपको बताता हूँ। आपके पास एक बार -5 लिख रहा है और एक बार -2 लिख रहा है, और आपसे पूछे इन दोनों में से ग्रेटर नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो आप सब लोग गलती से बोल दोगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कह दोगे कि -5 बड़ा है, बल्कि ये गलत आंसर है। आंसर एक्चुअल में क्या है, -2 बड़ा है -5 से। तो द नंबर विच इज लेस नेगेटिव वैल्यू देन द नंबर फ्रॉम हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू, मतलब ऐसा नंबर जिसकी नेगेटिव में वैल्यू कम हो और दूसरे नंबर से नेगेटिव वैल्यू क्या हो, दूसरे नंबर की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो, तो वो नंबर जिसकी नेगेटिव में वैल्यू कम होती है उसे बड़ा माना जाता है। तो इस लाइन का मतलब यही है। एक और उदाहरण के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे -1 है आपके पास और एक आपके पास -4 है, आपसे पूछे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली द नंबर विच हैविंग लेस नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू। तो -1 बड़ा हो गया आपके किससे, -4 से। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, इंटीजर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री भी होता है, किसी किसी जगह पे -4 डिग्री भी होता है, ठीक है, -42 डिग्री भी होता है। तो ऐसे टेम्परेचर्स जो माइनस में हो, तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। कुछ कुछ जगह टेम्परेचर्स पॉजिटिव होता है, जैसे समर के अंदर आपका 42 या 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर्स है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पता है किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, पता आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि जीरो, तो जीरो से जो बड़े होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जीरो से जो छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। कुछ इस तरह का ये सिस्टम बना रखा है इंटीजर्स ने। हाइट की बात करें तो हाइट का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, हाइट को कैसे इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। हाइट जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ अभी आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे। रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखना कि एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है जिसमें उस रेलवे स्टेशन की हाइट दे रखी है, बिलो द सी लेवल और अबव द सी लेवल। तो सी लेवल को हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। अब इस स्टैंडर्ड, जैसे मान लो सी लेवल को हमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई ये सी लेवल है, इससे ऊपर है तो हम अबव द सी लेवल बोलेंगे, और इस सी लेवल से कुछ जगह की हाइट छोटी है, मतलब नीचे की तरफ है, तो हम उसे बोलेंगे बिलो द सी लेवल। तो जो हाइट अबव होगी उसे हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे,
और जो हाइट बिलो होगी किससे, सी लेवल से, उसे हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर ये यूज होता है आपका हाइट वाला कॉन्सेप्ट, सी लेवल को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अबव वाले केस में आपको हमेशा पॉजिटिव यूज करना है और बिलो वाले केस में आपको हमेशा नेगेटिव यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, द हाइट ऑफ कन्याकुमारी इज 45 मीटर बिलो फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे -45 मीटर, इस तरह से। बिलो में आपको नेगेटिव यूज करना है, अबव में आपको पॉजिटिव यूज करना है। जैसे मैंने बोला हाइट ऑफ रोहतांग हिल स्टेशन इज 240 मीटर अबव सी लेवल, 240 मीटर अबव सी लेवल, तो 240 मीटर अबव है सी लेवल से, तो अबव है सी लेवल से, तो हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव का 240 मीटर, ठीक है। ये समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, जब प्रॉफिट होता था हम पॉजिटिव बोलते हैं और जब लॉस होता था हम नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसी डेली लाइफ की सिचुएशंस को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, समझाना होता है लोगों को, तो उस केस के अंदर प्लस माइनस का यूज करा जाता है। इसलिए हम इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के फॉर्म यूज करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है, मतलब कोई भी इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो उसे हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका नेगेटिव इंटीजर्स के लिए काफी अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो आपका -7 है, तो आपसे पूछे व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7। -7 है तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करना, -7 लिखना, इसके दोनों तरफ ऐसे खड़ी डंडी बनाना जिसे हम मॉडुलस बोलते हैं, और इक्वल टू में आप प्लस का 7 लिख देना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 क्या है, आपका पॉजिटिव का 7 है। जैसे अब क्वेश्चन आप खुद करना, -8 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप देख लेना क्या आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी नेगेटिव नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, तो आप उसको मॉडुलस में लिखकर उसकी पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर दोगे, तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस नंबर लाइन के अंदर, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल नंबर लाइन के सेंटर में 0 को रिप्रेजेंट कर रखा है, और 0 से अगर मैं राइट साइड की तरफ चलता हूँ तो मेरे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रखे हैं, और 0 से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ चलता हूँ तो मैंने सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिख रखे हैं। तो आप लोगों को भी नंबर लाइन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं और 0 के राइट में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसी तरह के नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर जमाने के पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स और इवन अलोंग विद 0, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स को 0 के साथ हम किसी नंबर नंबर्स को इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे जमाते हैं, तो उसे नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कहते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन। हम नंबर लाइंस को यूज करते हुए कैसे इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, तो इसके कुछ रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है 5 + 3, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन के ऊपर देखना है कि आपको गिवन नंबर्स कैसे दे रखे हैं। दोनों नंबर आपको पॉजिटिव दे रखे हैं, तो आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबर 5 दे रखा है, 5 के ऊपर आके खड़े हो जाना। उसके बाद अगला नंबर आपको 3 दे रखा है, तो 3 स्टेप आगे चलना, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे मैं एक और नंबर बना देता हूँ 8। तो 3 स्टेप आगे चलने के बाद आप जिस नंबर पे पहुंचते हो वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 5 + 3 8 होते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन इसे नंबर लाइन पे कैसे लिखना है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। नंबर लाइन पे अगर आपसे बोले कि एड द नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन को यूज करते हुए आपको नंबर को ऐड करना, तो ऐसे ऐड करोगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको और नंबर लाइन का, जैसे आपको ऐड करना हो, ये मैं मिटा देता हूँ अभी तो आपको समझ में, सॉरी पूरी नंबर लाइन मिट गई। क्या हो रहा है,
ये नंबर लाइन है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि आपको ऐड करना है, ऐड -2 एंड 3। अब आप इसको कैसे नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको दिमाग लगाना है। तो ऐसे ऐड करने का सिस्टम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, जो पॉजिटिव का नंबर है उसे पॉजिटिव में लिख लोगे 3, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगा दोगे। उसके बाद किसको ऐड करना है, -2 को ऐड करना है, तो ब्रैकेट में -2 लगा देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, दो साइन एक साथ लिखते हैं तो हम उन दोनों साइन को अलग अलग रखने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब इसको चलना कैसे, आपको आपको +3 पे खड़े हो जाना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में होते हैं, तो आप लेफ्ट साइड में कितने स्टेप चलोगे, 2 स्टेप चलोगे। तो आप यहां से 1 स्टेप चले और यहां से 2 स्टेप चले, तो आपको क्या आंसर मिल गया बेटा, यहाँ पर आपको जिस फाइनल स्टेप पे पहुंचे, आप 1 पे पहुंचे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 + -2 इज इक्वल टू +1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं और कैसे उन्हें ऐड करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको -3 और -5, ये दो नंबर है, इनको ऐड करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इन्हें कैसे ऐड करोगे आप, देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखे नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पॉजिटिव नंबर चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि हमारे एक जो एडिशन दे रखा है वो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन दे रखा है। तो अब आप इसको लिखने के लिए क्या करोगे बेटा, देखो सबसे पहले आप -5 है तो -5 पे खड़े हो जाओ। ये खड़े हो गए सर -5 के ऊपर। अब आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव लेफ्ट की साइड ही चलना है हमेशा, तो नेगेटिव नंबर लेफ्ट की साइड चलोगे तो कैसे चलोगे बेटा, लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप चलना है, 1, 2 और 3। तो 3 पे 3 स्टेप चलते हैं, आप कौन से नंबर पे पहुंचे, -8 के ऊपर पहुंचे। तो आप इसको इस फॉर्म में जमा लोगे, -5 + -3 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। नंबर लाइन पे मैंने बता दिया कैसे लिखना है। अगर बात जनरल इसको ऐड करना होता तो आप सिंपल सा रूल याद रखना, -5, ये जनरल बता रहा हूँ, -5 बिना नंबर लाइन के अगर ऐड करना होता तो कैसे लिखते, -5 + -3 ऐसे लिख लोगे। उसके बाद प्लस और माइनस दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो माइनस हो जाता है, तो -3 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को जोड़ लेना, 5 और 3 का जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 8, और इन दोनों का साइन एक ही है इसलिए माइनस लगा दोगे, ठीक है। बुक के अंदर ये कैसे दे रखा होता, मैं एक और मेथड बता देता हूँ, सारे मेथड बता देता हूँ पॉसिबल, जो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक में कैसे दे रखा है, -5 और एंड -3 को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप बुक में ऐसे दे रखा है -5 -3 इज इक्वल टू माइनस, दोनों का कॉमन ले लेना और 5 + 3 लिख देना, ठीक है। दोनों का माइनस बाहर निकाल लेना, इन दोनों को ब्रैकेट में 5 + 3 लिख देना, माइनस रह जाएगा, 5 और 3 आप जोड़कर 8 लिख दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -8। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप मेथड फॉलो कर लेना, नंबर लाइन दे तो ऐसे यूज करना, बिना नंबर लाइन दे तो ऐसे यूज करना। आगे देखते हैं सब्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सब्रैक्शन को अगर करना हो तो कैसे करोगे, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया कि सब्रैक्ट सब्रैक्ट -3 फ्रॉम 5, मतलब 5 में से आपको -3 को घटाना है। तो बच्चा लोगों ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आप इसको लिख लेना किस तरह से, जो देखो किसको घटाना है, -3 को घटाना है, किससे घटाना है, 5 से घटाना है। तो जो बाद वाला नंबर दे रखा है उसे लिख लो, फिर क्या कह रहा है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है, और किसको माइनस करना है, -3 को करना है, तो -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 5 + 3 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 यहाँ पर। अब सर आप इसे नंबर लाइन पे करके बताओ, ठीक है नंबर लाइन पे करते हैं।
सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लोगे, किस फॉर्मेट के ऊपर, 5 मतलब -3 और प्लस का 5 सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो -3 दे रखा है मतलब ये आपको 8 चाहिए, 8 कैसे लाओगे, सबसे पहले आप -3 पे ऐड हो जाओ, ठीक है, -3 पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आपको सॉरी सबट्रैक्ट करना है ना, किसको, -3 से +5 को, ठीक है, -3 पे खड़े हो जाओ। अब 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो 5 स्टेप आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5, तो आप किस नंबर पे पहुंचे, 2 नंबर पे पहुंचे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर जो कि आया वो गलत हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना। ये मैं बताता हूँ, अक्सर जो बच्चे नंबर लाइन पे करते हैं उनसे गलती हो जाती है, इस तरह से करते हैं, तो आपको ये मेथड नहीं करना है। अब आप सुनो ध्यान से, कैसे फॉलो करना है आपको, क्योंकि आपको प्लस का 8 चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का 8 चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या रूल याद रखना है, नंबर लाइन पे जो नंबर दे रखा होता है उसका साइन चेंज कर लो। तो जो नंबर दे रखा है, जैसे 5 -3 दे रखा है पहला वाला नंबर, इसका साइन चेंज कर लो, तो हो गया 3, प्लस का 3, किसे सेपरेट करना है, 5 से, ठीक है, -3 फ्रॉम 7, और ये वाला नंबर क्या है, प्लस का 5, तो आपको क्या हो गया, 5 + 3 8, तो आप कुछ मत करना, 5 पे खड़े होना और 3 ऐड करना इस पे, 1 2 3, 3 ऐड करोगे तो क्या जाएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले नंबर जो पहला नंबर लिख रखा था उसका साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और फिर जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है उतने नंबर या तो आगे बढ़ जाओ या फिर माइनस दे रखा होता तो पीछे बढ़ जाते, ठीक है। आगे आएंगे और सवाल बताऊंगा। अगला सवाल है आपका, सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम -3, मतलब आपको 5 में से -3 घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख लिया कि -3 और -5, क्योंकि 5 फ्रॉम -3 मतलब 5 में से, 5 फ्रॉम -3 सॉरी -3 में से आपको 5 घटाना है, तो सबसे पहले -3 को लिख लिया मैंने, ओके। उसके बाद घटाना है, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगा दिया, उसके बाद किसको घटाना है, 5 को घटाना है, तो 5 लिख दिया मैंने, क्योंकि 5 पॉजिटिव का ही था। तो अब कुछ नहीं करना आपको, -5 पे खड़े हो जाना, ठीक है, और 3 स्टेप, माइनस है तो पीछे की तरफ चलना, मतलब लेफ्ट की तरफ चलना, तो माइनस पीछे की तरफ चले, 1 2 3, तो 3 पे पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, -8 मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर -8, दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं अपन अगले सवाल के ऊपर। ऐड करना आपको 5 और -8 को, सबसे पहले इसको 5 और प्लस ऐड करना है, इसलिए प्लस का साइन, किसको ऐड करना, -8 को ऐड करना, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया मैंने यहाँ पर। अब आपको 5 ऐड करना है -8 में, तो कुछ नहीं करना आपको, -8 पे खड़े हो जाना है, ऐड करना है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम किस तरफ चलते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, कितने स्टेप आगे चलना है, 5 स्टेप आगे चलना है, तो 1 2 3 4 और 5। जब आप 5 स्टेप आगे चले तो आप कौन से नंबर पे पहुंचे, -3 के ऊपर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 -8 = -3। जनरल मेथड से करना होता तो इसको कैसे करते, सबसे पहले 5 लिखते, ठीक है, फिर ऐड करना प्लस लिखते, माइनस का 8 लिखते, ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, तो 5 - 8 आप ऐसे लिखते। फिर कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक काम करना, 5 - 8 तो -8 है तो घटाना आपको, तो आप बड़ी वाली संख्या जो भी है 8 में से 5 घटा देना, तो आपको मिल जाएगा 3, लेकिन जो नेगेटिव का साइन है वो
बड़े वाले नंबर के सामने, इसलिए साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, -3। हमेशा याद रखना साइन उस नंबर का लेना जो नंबर बड़ा हो, जैसे 8 बड़ा है, इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल वाला के बताता हूँ। जैसे आपके पास ऐसे नंबर होता 5 प्लस -2, इन दोनों को ऐड करना होता, तो आप कुछ नहीं करते, 5 में से 2 घटाते तो आपको मिलता 3। लेकिन 2 और 5 में से बड़ा कौन है, 5, और 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, लेकिन 2 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन, इसलिए बड़े वाले नंबर का साइन यूज करेंगे, और बड़ा वाला नंबर 5 है जिसका साइन क्या, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का 3 आया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक और नंबर ऐड करते हैं, -5 और 8 को ऐड करना। ठीक है, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना, ऐड करना है तो -5 लिख लिया, और किसको ऐड करना है, प्लस के 8 को ऐड करना, तो कुछ नहीं करना आपको, -5 पे खड़े हो जाना है, ये -5 पे खड़े हो गए, -5 पे खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको 8 स्टेप आगे की चलना, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर है, पॉजिटिव का नंबर है, तो 8 स्टेप आप आगे चलोगे, मतलब राइट की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आगे चले, तो आगे आप कौन से नंबर पे पहुंचे बेटा, 3 पे पहुंचे, तो आपका आंसर क्या हो गया, -5 + 8 = 2 + 3। ठीक है, जनरल मेथड से करना होता तो सिंपल है, 8 लिखते बड़ा वाला नंबर, माइनस का 5 लिख देते, जोड़ना था इसलिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखते आप 8 + -5 -+ होके माइनस हो जाता, और 8 में से 5 घटाते तो आंसर क्या आता, 3 आता। नंबर लाइन से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और ऐसे जनरल से कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आगे देखते हो, एक और सवाल कर लेते हैं अपन, -5 from -3 सेपरेट करना आपको, क्या करना बेटा, सेपरेट करना किसको, -5 में से -3 को, तो सबसे पहले आप -3 लिखोगे, सेपरेट करना है इसलिए माइनस। ठीक है, फिर किसको सेपरेट करना है, -5 को सेपरेट करना है, इसको लिख लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो -+ हो जाता तो प्लस का 5 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 पे खड़े हो जाना है, ये लो सर खड़े हो गए 5 के ऊपर, और -3 मतलब लेफ्ट की तरफ चलना है, माइनस किस तरफ आते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप पढ़ना, 1, 2 और 3, तो आप कौन से नंबर पे पहुंचे, 2 नंबर पे पहुंचे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, तो नंबर लाइन से भी आपका आंसर आ गया 2। और इसको जनरल करना होता तो जनरल बहुत आसान था, पहला वाला जो नंबर होता उसका साइन चेंज करो 5, दूसरा वाले नंबर को -3 ऐसा एज इट इज लिख लो, तो 5 - 3 क्या हो गया, 2 आंसर आ गया। पहले वाले नंबर का साइन चेंज करो, दूसरे वाले नंबर को एज इट इज जिस साइन के साथ दे रखा है उस साइन के साथ लिख लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका जो भी आंसर होगा, तो 2 आंसर आया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं बिना नंबर लाइन के और नंबर लाइन के साथ, समझा दिया मैंने। अच्छा लगे चैप्टर, समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।